नजर आ रहा है। देखिए ये लेफ्ट टंग कितनी बड़ी है, करीब 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तो बोल ही सकते हैं कि। वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, आज मेरे साथ मोहित है। मोहित आज दूसरी बार आया है। ये जब फर्स्ट टाइम आया था तो हमने इसने बैक पेन की दिक्कत बताई, इसने टांगों में दर्द की दिक्कत बताई, बट क्योंकि ये सामने की तरफ बैठा हुआ था और हमने जब उसके एग्जामिनेशन किया तो उसकी लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ग्रेजुअली जैसे ही ट्रीटमेंट खत्म हुआ, हमने इसका फुट असेसमेंट किया तो उसमें पता चला कि ये फ्लैट फुट है। और फ्लैट फुट यानी कि काफ़ी ज़्यादा फ्लैट फुट था, सीवियर प्रोनेशन था। और इसने जैसे ही बताया कि इसकी तुम्हारी क्या हिस्ट्री थी, बचपन में क्या हुआ था। सर, जब मेरा बर्थ हुआ था तो मेरा जो पैर था वो टूटा हुआ था, ब्रोक। तो उस टाइम काफ़ी जो ट्रीटमेंट होने थे वो हुए थे, बट फिर ठीक रहा, सब कुछ चलता भी रहा, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं। बट अब धीरे धीरे मेरे को इधर पेन होने लगा, तो मुझे लगा शायद कोई मेरे बैक में प्रॉब्लम हुई है। बट ये पैर छोटा बड़ा आधे एक इंच का फर्क मुझे पता चलता था, लेकिन जब फिर यहाँ पे आया तब तो पता चला कि पूरा प्रॉब्लम इस पैर की वजह से मुझे प्रॉब्लम बढ़ गई काफ़ी ज़्यादा। तो हमने ये ऑब्जर्व किया और एग्जामिन किया कि इसको लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी है। इसका मतलब ये होता है कि आप इनका एक पांव छोटा बड़ा है। ये चीज़ तो बहुत कॉमनली हम देखते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा एक पांव छोटा बड़ा है, और बहुत सारे डॉक्टर्स थेरेपिस्ट भी इस चीज़ को अच्छे से नहीं जानते। तो आज मैं आपको इस वीडियो में मेजर करना सिखाऊंगा, और 99% लोग जो लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी की वजह से आते हैं, वो लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी उनको होती नहीं है, जिसको हम ट्रू या अपेरेंट बोलते हैं। ज़्यादातर टाइम जो अपेरेंट लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी होती है वो सिर्फ मसल्स की टाइटनेस की वजह से होती है। स्पाइन में टाइटनेस आ जाती है, कुछ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज होने लग जाती है, तो बट हम उसको अपेरेंट ही बोलते हैं, ट्रू लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी नहीं बोलते हैं। और जैसे मैंने मोहित का एग्जामिन किया था, वो मैंने देखा करीब 1 इंच 1.25 इंच के आसपास लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी थी। आज मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा जिससे आप मेजर कर सकते हैं। और क्या उम्र हो गई है आपकी, 30 साल। अब बताइए, आप सब भी जो भी देख रहे हैं कि 30 साल की उम्र हो गई है, एक पाँव पे जो 1.25 इंच के आसपास छोटा है, वो किस तरह से चल रहा होगा। इसकी स्पाइन भी टेढ़ी हो गई है, यानी कि एक तरफ लीन करने की वजह से वो स्पाइन में कर्वेचर आ गया है। वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक। आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सीधा लेटर सीधा। पहले तो ध्यान रखिए पेशेंट बहुत रिलैक्स होके लेटा हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो। आप लोग को ये वीडियो एग्जामिनेशन दिखाने से पहले बताऊंगा कि मैं पहले ये मार्कर्स का यूज करूंगा, टेप्स हैं ये, और मैं इसके पाँव के हड्डी का जो अंदर का हिस्सा होता है इस पे मार्क कर दूंगा, जहां पे मुझे मेजरमेंट लेना है। ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। जनरली अंदर के जो हड्डी का हिस्सा होता है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, तो इसको टच करना, फील करना, ये भी एक आर्ट होती है, और ज्यादातर जो लोग हाथ से काम करते हैं बहुत इजीली कर पाते हैं। और इसके एग्जामिनेशन का दूसरा जो पॉइंट है, एक पॉइंट तो ये हो गया टांग को नापने का, दूसरे जो पॉइंट्स होते हैं यूजली हम SIS से लेते हैं। ये बोन होती है, हम सब जानते हैं, पेल्विस के बिल्कुल टॉप पे ये बोन होती है, इस पॉइंट से लेते हैं। बट इसमें भी थोड़ा बहुत कहीं कभी ना कभी इश्यूज रहते हैं। और एक पॉइंट, इसको हम अम्बलाइकस बोलते हैं, नाभि बोलते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। तो हम दोनों जगह से नापेंगे और फिर बेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे कि हम कहाँ तक बेस्ट तरीके से इसका मेजरमेंट ले पा रहे हैं। बट देखिए कि 100% एक्यूरेसी इसमें भी नहीं आती है, उसको कई बार खड़े रह के भी मेजरमेंट लेना पड़ता है। इस नाभि पे मैंने टेप रखा और मैं सामने की तरफ गया, ये आ रहा है 40 सेंटीमीटर के आसपास। यही चीज जब मैं लेफ्ट में जाता हूं तो ये आ रहा है 38 एंड हाफ, या 38 ही बोलूंगा, तो 2 सेंटीमीटर का फर्क है। लेफ्ट जो राइट है इनका 2 सेंटीमीटर छोटा है जब मैंने अम्बलाइकस से लिया। अब मैं जब ASIS से लेता हूं सामने से,
35.5. सो ये 35.5 है, इस पर दोबारा करूँगा 36, हाँ ये 36 है। तो इसमें भी जब SIS से ले रहा हूँ तो मुझे 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो आप ही देखिए, जब मैंने यहाँ से लिया और यहाँ से लिया, इसमें भी मेजरमेंट में फर्क था, ठीक है। तो मैं इसकी एक्चुअल छोटाई जो मैं देखूँ, जो टांग छोटी है वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर है। जब मैंने यहाँ से यहाँ मेजरमेंट लिया, एक बार दोबारा देखूंगा, ये 35.5। इसका रीजन ये भी है कि इनकी जो पेल्विस है ये कहीं ना कहीं राइट साइड की नीचे डिप कर रही है। जब ये एक्सरसाइज करेंगे, दूसरी चीजें करेंगे, शॉर्टनिंग भी थोड़ा सा इंक्रीज हो सकती है। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चंस हो आप हमसे पूछ सकते हैं, और मैं इनका जल्दी से एडजस्टमेंट दिखाऊंगा। और ये एडजस्टमेंट के लिए आए हैं, नजर आ रहा है, देखिए ये लेफ्ट टांग कितनी बड़ी है, करीब 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तो बोल ही सकते हैं कि थोड़ी है ढीला। इजी ओके। जब पहले था तो काफी पेन रहता था मुझे, हाँ। अभी जब कम टाइम मैंने एक बार ट्रीटमेंट लिया थोड़ा रिलैक्स मुझे मिला है, रिलैक्स मिला और हाँ काफी, मतलब ऐसा लगता है मसल्स खुले हैं, क्योंकि इतना टाइट और स्ट्रेच रहता था पूरी, उसमें मेरी बैक में चलने में प्रॉब्लम, और फिर जो इशू था वो एक मुझे बताया आपने, थोड़ा सा मैंने उसमें भी ध्यान रखा कि इस तरह से अपनी बॉडी को बैठने टाइम या चलते टाइम करने, तो काफी रिलैक्स है, और अब मैं चाह रहा हूँ कि ठीक हो जाए, इसलिए आपके पास आए हूँ। चलिए हम इनको हील रेज देंगे 1 सेंटीमीटर का लेफ्ट साइड में, ताकि इनकी टांग छोटी बड़ी ना रहे, और ऑब्जर्व करेंगे, इनको इंसोल भी देंगे ताकि इनके आर्चेस भी डेवलप हों। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।